हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्सल भाई मिश्रा, जहां पर आप सभी को फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चंस। स्टमक सेक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का आंसर है आपका HCl और पेप्सिन सेक्रेट करता है आपका स्टमक, तो विथ गैस्ट्रिक जूस के साथ आंसर है आपका सी यानी ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। द रिंग ऑफ मसल्स डेट्स अलाउस मटेरियल टू द इंटर द स्टमक इज नोन एज। हम जिसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। करेक्ट आंसर इज बी। नाउ वेट ऑफ हॉकी बॉल। हॉकी बॉल का वजन क्या होता है? करेक्ट आंसर इज बी यानी 156 से 163 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड लिविंग लॉन्गर कैन बी अचीव थ्रू। हम किसके थ्रू एक अच्छी फील ला सकते हैं, अच्छा लिविंग लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, किसके थ्रू? तो आंसर है आपका रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 25 जनवरी 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बना? ये बना आपका 1894। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ स्ट्रेच और आर टीयर ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं स्प्रेन बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। ए कंडीशन वेयर द इंड ऑफ द बोन इज फोर्स आउट इट्स नॉर्मल पोजिशन इन ज्वाइंट्स। करेक्ट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडीशन इन विच ए ट्विस्ट पुल अ टीयर मसल्स टेंडन इज कॉल्ड। उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। करेक्ट आंसर इज डी। व्हेन मसल्स एक्सर्ट फोर्स वाइल्ड लेंथनिंग इट्स मोमेंट्स नोन एज। इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक, यानी जब मसल्स लंबा होता है इसेंट्रिक, जब मसल शॉर्टेंस होती है आपका कम होती है तो कंसेंट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ए फ्रैक्चर वेयर द ब्रोकन एंड ऑफ बोथ द बोन्स ड्राइव इनटू वन एंड अदर। आंसर इज इंपैक्ट फ्रैक्चर। नाउ नेक्स्ट 5 to 10 minutes ऑफ स्लो वॉकिंग लो लेवल एक्सरसाइज कंबाइंड विथ स्ट्रेचिंग इज नोन एज कूल डाउन। नाउ नेक्स्ट ए फ्रैक्चर वेयर द बोथ बोन एंड स्किन ब्रेक देयर इज ए डेंजर ऑफ इन्फेक्शन नोन एज कंपाउंड फ्रैक्चर। 14। वाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड्स टू इंक्रीज मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ। करेक्ट आंसर इज डी यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड ज्वाइंट्स नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर इज बी। 16। द हार्ट वॉल बिटवीन राइट आरटीएम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज ट्राइकास्पिड वॉल। नेक्स्ट एनालिटिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व। करेक्ट आंसर इज डी ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स। नाउ इन द पीरियडाइजेशन साइकिल द ड्यूरेशन ऑफ पीक साइकिल्स शुड बी। पीक साइकिल जो होता है 4 to 6 weeks।
नेक्स्ट 19 सिचुएशनल फैक्टर इज मोटिवेशन इज नोन एज, बोलते हैं हम इसको बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट इन स्केलेटल मसल द कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ सीथ सराउंडिंग ईच फेसिकुलस इज नोन एज, इसको बोलते हैं पेरिमाइसियम। नाउ 21 मेंटल कोच इज नोन एज, मेंटल कोच इज नोन एज को बोलते हैं एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, करेक्ट आंसर इज सी। नाउ HIV का फुल फॉर्म है क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23 साइकोलॉजी स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, साइकोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, करेक्ट आंसर इज डी। नाउ नेम द गेम हु फील्ड इज मार्क फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी जो इसमें दिए गए गेम में कौन सा जो फील्ड होता है उसका पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन होता है, इसको इसका गेम का नाम है इसमें खो खो। नेक्स्ट 25 द कैरियर्स हु सीट द इन्फेक्शियस एजेंट्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड, करेक्ट आंसर टेम्प्रोरी कैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 ध्यानचंद अवार्ड इंट्रोड्यूस, ध्यानचंद अवार्ड 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एम्बियोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन एजेंट्स, एम्बियोसिस जो डिजीज है वो प्रोटोजोअल डिजीज, प्रोटोजोअल कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट 29 मेकअप ऑफ द बॉडी इन द टर्म ऑफ लीन मास एंड फैट इज, इसको हम बोलते हैं बॉडी कंपोजिशन, करेक्ट आंसर इज ए। नाउ ए द एज लिमिट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम का एज लिमिट क्या है, करेक्ट आंसर आपका बी यानी 14 से 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे तो खुद ही कहेंगे हाँ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस फंस सकते हैं आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 31 द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड, स्ट्रेंथ एंड स्पीड जो एबिलिटी है कंबाइन कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, करेक्ट आंसर इज बी। नाउ 32 इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन, वो होता है जो अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होता है वो होता है सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक लीडर एंड ग्रुप्स, करेक्ट आंसर इज डी। नाउ 33 दी इफ द स्किन ब्रेक्स एंड ब्लीड्स इट्स इंजरी इज कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं लेसरेशन। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैन बी डेवलप विथ वो हिल ट्रेनिंग से या हिल रनिंग से, यानी पहाड़ी वाले क्षेत्रों में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करके। नेक्स्ट 35 दी डिसरप्शन इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फीमेल इज टर्म इज, हम इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल डायफंक्शंस। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। ये फिजिकल एजुकेशन का चैनल है जहाँ पर आपको सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट सीरीज देखने को मिलते हैं इस चैनल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दी फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग टारगेट हार्ट रेट, टारगेट हार्ट रेट का फार्मूला क्या है, आंसर है आपका 220 माइनस एज इंटू 70%। नेक्स्ट 37 इट कैन बी डेवलप थ्रू कंटिन्यूस एंड इंटरवल ट्रेनिंग, करेक्ट आंसर इज सी एंड्योरेंस।
नेक्स्ट 38, व्हाट इंडिया नीड्स टुडे इज नॉट भगवद गीता बट फुटबॉल ग्राउंड इज स्टेट्स बाय। नहीं, कह रहा है कि आज के डेट में इंडिया में भगवद गीता की जरूरत नहीं है बल्कि फुटबॉल ग्राउंड की जरूरत है। किसका है करेक्ट आंसर आपका? स्वामी विवेकानंद का। आइडियल बॉडी फैट इन वोमेंस, वोमेंस में आइडियल बॉडी फैट कितना होता होता है आपका? 18 से 22%। इस तरह क्वेश्चन आपको दोस्तों केवीएस में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर, यानी क्लोरीन को वाटर में ऐड किया जाए तो क्या बन जाएगा? Cl2+H2। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म। करेक्ट आंसर इज ए। नाउ 41, एनालिसिस इज ए पार्ट ऑफ। करेक्ट आंसर इज बी, कॉग्निटिव डोमेन। 42, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेसिस ड्रग स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेनालीज एड्रेनालिन। करेक्ट आंसर इज सी, एम्फेटामाइंस। 43, इन कार्डिक हाइपरट्रॉफी रिजल्ट ऑफ ड्यूरेशन ट्रेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर अंडरगोस ग्रेटेस्ट चेंजेस। करेक्ट आंसर इज डी, लेफ्ट हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट 44, ए स्टेज इन ए वुमेन वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ मेनार्क बाय 18 इयर्स एज आर ओल्डर इज इट्स आल्सो कॉल्ड प्राइमरी एमनोरिया। द फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन इन कैप्टन ऑफ इंडिया टीम वॉज। करेक्ट आंसर इज ए, अजीत वांडेकर। 46, इट आल्सो नोन विटामिन बी, विटामिन बी का दूसरा नाम है आपका थियामिन, इसको बोलते केमिकल नेम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इज इंक्लूडेड, यानी फिजिकल एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट्स है, ये किसमें हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, ये किसमें इंक्लूड किया गया? ये किया गया आपका यूनेस्को चार्टर में। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट 48, यानी वाटर कैपेसिटी मेजर किया जाता है स्पायरोमीटर के थ्रू, स्टडी ऑफ ज्वाइंट हम बोलते हैं अर्थोलॉजी। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स इज, करेक्ट आंसर इज दी बोलते हैं इंट्रक्शन। 51, दी ब्लड सेल्स प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हीमोटोपोइसिस। करेक्ट आंसर इज सी, डाइट इज रिलेटेड है पर टेनिस है। 53, ट्रेडमिल इज यूज टू मेजरिंग, ट्रेडमिल से ट्रेडमिल द्वारा यूज किया मेजर किया जाता है आपका वर्क डन इन रनिंग, आपने कितना ट्रेडमिल पर रनिंग किया। नेक्स्ट है इंटर कॉलेज इस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हो जाएगा, एक्स्ट्रा मॉडल टूर्नामेंट हो जाएगा विट ऑफ जेवलिंग। नेक्स्ट है आपका जेवलिन का वेट कितना आता है वुमेंस के लिए? होता है आपका 600 ग्राम और 800 ग्राम होता है मेल के लिए। नेक्स्ट, इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी इस्टेब्लिश 1920 में। नेक्स्ट 57, क्लीन एंड जर्क रिलेटेड है आपका वेट लिफ्टिंग से, मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है आपका, इसमें कोऑर्डिनेशन है। अंजू बॉबी जॉर्ज रिलेटेड है आपका एथलेटिक्स से। 60, इन मसल्स फाइबर द प्रोटीन इज प्रेजेंट, प्रोटीन मिलता है आपका एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं, तो करेक्ट आंसर इज सी बोथ। लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है आपका? 13.40 मीटर। नेक्स्ट 62, दोस्तों ये सीरीज आपका पार्ट वन है जिसमें 100 क्वेश्चन आपको हम कवर कर रहे हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी, ताकि हम नेक्स्ट सीरीज लाने के लिए हम मोटिवेट हो सकें। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, वो
एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, इन एवरेज एडल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा आपका 70 ml, 10 इवेंट्स कंपटीशन डेकाथलन बोलते हैं, नेक्स्ट लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज, लार्जेस्ट पूछा है तो ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा, नेक्स्ट है हंच बैक किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं आपको काइफोसिस को हंच बैक बोलते हैं, और लोडोसिस को बोलते हैं दोस्तों हालो बैक बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन एरिया ऑफ जूडो 40 x 40 meters, 14 x 14 का कंपटीशन एरिया जूडो का हो गया। नेक्स्ट है रिचेक रिलेटेड आपका प्राणायाम है, और नेक्स्ट है 68, द फोर्स इज बिटवीन द फलक्रम, कौन सा लीवर हो जाएगा तो क्लास थर्ड लीवर हो जाएगा, तो लीवर का पूछा है यहाँ पे, ठीक है। यदि एक्सिस बीच में रहता है ठीक है तो फर्स्ट क्लास लीवर होता है, लोड यानी रेजिस्टेंस बीच में रहता है तो सेकंड क्लास लीवर होता है, और फोर्स यानी बीच में रहता है तो थर्ड क्लास लीवर होता है। नेक्स्ट है आपका हाइट ऑफ क्रिकेट स्टंप, क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी, हाइट ऊंचाई कितनी होती है, इसका है 28 inches। नेक्स्ट है 70, ए कंपाउंड विच इज द फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स एंड प्ले ए की रोल इन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट आंसर इज सी ATP, एडिसिन ट्राइफॉस्फेट। सर्किट ट्रेनिंग इफेक्टिव मेथड से डेवलप, इससे सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप होता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स डेवलप किया गया था, फॉर्म बनाया गया था 1954 में। नेक्स्ट 73, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, करेक्ट आंसर इज थायरॉइड ग्लैंड्स बी। नेक्स्ट अपरिग्रहार इज पार्ट ऑफ यम। नेक्स्ट 75, इट इज ए नॉलेज ऑफ ऑर्गन्स ऑफ विसेरा, आंसर है आपका ए स्प्लेंजोलॉजी। 76, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, करेक्ट आंसर इज नीता अंबानी। नेक्स्ट, उससे पहले हमने आपको बता दिया था उस प्रीवियस वाले में ही, लोडोसिस का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, आल्सो क्या बोलते हैं लोडोसिस को, होलोबैग बोलते हैं। नेक्स्ट 78, द फास्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ ह्यूमन बींग्स इज इन्फेंसी में होता है सबसे ज़्यादा ग्रोथ, ये बच्चा एकदम छोटा रहता है। 79, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम हंड्रेड, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 81, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन ऑफ द विच मसल्स लेंथ इज कांस्टेंट, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है उसमें कोई मोमेंट नहीं होता। नेक्स्ट 82, स्पीड प्ले आल्सो नोन एज स्पीड प्ले बोलते हैं हम हार्ड लेग ट्रेनिंग। नेक्स्ट है टैक्टिकल ट्रेनिंग इज डन, टैक्टिकल ट्रेनिंग कब किया जाता है, आंसर है आफ्टर स्किल आर मास्टर्ड। नेक्स्ट 84, ट्रांजिशन पीरियड इज एम, ट्रांजिशन पीरियड का एम क्या होता है, रिकवरी देना, रिकवरी करना। नेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी किसने दिया था, वाज पोस्टुलेटेड बाय, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी इसमें है, करेक्ट आंसर इज डी लैमले। नेक्स्ट 86, व्हाट इज द कॉज ऑफ एनगिना, दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपको KBS MBS और DSSB उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका आंसर इज सी यानी इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग टू द हार्ट मसल्स, यानी इनसफिशियंस अमाउंट में जो ब्लड होता है मसल्स में नहीं पहुंच पाता सफिशियंट अमाउंट में, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम द सीवियर ब्लड शॉक, करेक्ट आंसर इज सी यानी शॉक। नेक्स्ट,
88 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज करेक्ट आंसर इज ए यानी फैसिलिटीज। नेक्स्ट 89 हाउ शुड यू ओपन द एयरवेज एंड अनकॉन्शियस कैजुअलिटी, तो उसके बोले हम क्या करेंगे, हेड को टिल करेंगे एंड चिन को लिफ्ट करेंगे, करेक्ट आंसर इज बी। नाउ 90s हाउ लॉन्ग यू वुड यू चेक टू सी द अनकॉन्शियस कैजुअलिटी, तो क्या करेंगे हम, नो मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 91 वेन द ट्रेनिंग लोड इज नाइदर टू लो नॉट एक्सेसिव एथलीट्स कैपेसिटी इज कॉल्ड ऑप्टिमल लोड, बोलते हैं ऑप्टिमल लोड बोलते हैं। 92 द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन इज, क्या कारण होता है फ्रस्ट्रेशन स्पोर्ट्स पर्सन के, आंसर इज ए नॉर्मली ड्यू टू द मिसमैच ऑफ द एस्पिरेशन एंड एबिलिटी, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 93 द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग आंसर ऑफ एडोलेसेंस, अकॉर्डिंग टू जर्मन कॉन्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एंड गेम इज कॉल्ड, बोलते हैं हम जिमनास्टिक को। नेक्स्ट 95 स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ आपका टोटल पर्सनालिटी का, फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लीड टू द हेल्दी लाइफ स्टाइल, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है आपका 97 ड्यूरेशन ऑफ वन मैक्रो साइकिल, इसको बोलते हैं 12 मंथ यानी ईयरली प्लान बोलते हैं इसको। 98 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट इन द इंटरवल ट्रेनिंग फोकस फाउंड लिस्ट इफेक्टिव, तो होगा जिमनास्टिक वर्क लिस्ट इफेक्टिव होगा। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्ट्रेस प्रोग्राम्ड फेज ऑफ द वर्क एंड रिकवरी, वर्क एंड रिकवरी होता है आपका इंटरवल ट्रेनिंग में। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, ये अपना 7 अप्रैल 1948 को बना था। तो इस तरह से दोस्तों आपका हमने यहाँ पे आज लिया 1 से 100 क्वेश्चन का एक सेट, जो कि आने वाले समय में एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सारे क्वेश्चन थे किस तरह के थे, किस लेवल के थे, तो काफ़ी अच्छे लगे होंगे आज के सेशंस। तो बताइए कैसा लगा, और अपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों को भी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में, इसी तरह से 1 से 100 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।